आगरा में ताजमहल के अंदर मीरा राठौर नाम की महिला ने लहराया भगवा झंडा। सीआईएसएफ के जवानों ने महिला को पकड़ा। अखिल भारत हिंदू महासभा की कार्यकर्ता है मीरा। लखनऊ में बिजली का पोल लगाने के विरोध में मारपीट हो गई। एक घर के सामने लगाया जा रहा था बिजली का पोल, दो पक्षों के बीच लात घूंसे चले। बिहार के बक्सर में थाने से 200 मीटर की दूरी पर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स को सरेआम गोली मार दी। घर के बाहर हत्या से इलाके के लोगों में दहशत। बिहार के नालंदा में युवती को मारी गोली। प्रेम प्रसंग में वारदात को अंजाम देने की आशंका। ग्रामीणों ने पुलिस के सामने आरोपी को बेरहमी से पीटा। अस्पताल में भर्ती युवती की हालत गंभीर। बिहार के सीएम ऑफिस को उड़ाने की धमकी देने वाला कोलकाता से गिरफ्तार। आरोपी का नाम बताया जा रहा है मोहम्मद जाहिद। बेगूसराय के रहने वाले जाहिद ने अलकायदा के नाम से भेजा था धमकी भरा ईमेल। वाराणसी में दो मकान भरभराकर गिरे। हादसे में एक महिला की मौत। प्रशासन ने मलबे में दबे लोगों को रेस्क्यू किया। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास हुआ यह हादसा। नागपुर में सीमेंट फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट। हादसे में एक मजदूर की मौत। 6 लोग घायल। सभी को अस्पताल कराया गया भर्ती। धमाके से पूरी फैक्ट्री को पहुंचा नुकसान। हादसे की वजह का लगाया जा रहा है पता। तीव्र गति से देखते हैं बाढ़ से जुड़ी खबरों की अपडेट। राजस्थान के भीलवाड़ा में रील बनाने के चक्कर में हादसा। पैर फिसलने से मेनाल झलने में गिरे दो युवक। एक को लोगों ने बचाया, दूसरे युवक की तलाश जारी। लापरवाही के चलते पहले भी हुए हैं हादसे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी का कहर। आबादी वाले इलाके तक पहुंचा नदी का पानी। किसानों के खेत बर्बाद हुए। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। पटना में फतुहा और दरियावा में टूटा नदी का तटबंध। प्रशासन ने तटबंध की मरम्मत का काम शुरू किया। लगातार बारिश से नदी के किनारों की मरम्मत में आ रही है दिक्कत। राजस्थान के जालौर में मूसलाधार बारिश से शहर में जल भराव। सड़कों पर भरा पानी। आवाजाही में लोगों को काफी परेशानी। आबादी वाले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त। राजस्थान के जैसलमेर में बारिश से भरभराकर गिरा मकान। हादसे में 3 लोगों की मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी। मलबा हटाकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बारिश से जगह जगह बहने लगे हैं सैलाब। पानी के तेज बहाव में एक पुल भी बह गया। घाटी के कई गांव के लोगों का संपर्क मुख्यालय से कटा। लाहौल स्पीति में बाढ़ के चलते किसानों की फसल को पहुंचा नुकसान। किसानों की 10 बीघा जमीन बाढ़ के चलते हुई बर्बाद। किसानों को मदद के लिए सरकार से आस। राजस्थान के बूंदी में बारिश से आधा शहर जलमग्न है। गौशाला से लेकर एसपी ऑफिस तक पानी में डूबे। कॉलोनी में भरा पानी। सड़क पर बहता दिखा दरिया। लोग पानी के प्रकोप के चलते लोग घरों में कैद। राजस्थान के टोंक में हुई मूसलाधार बारिश। लोगों की बड़ी परेशानी। पानी के तेज बहाव में टूटा मांडकला सरोवर का किनारा। आसपास के इलाकों में भी घुसा पानी। राजस्थान के झालावाड़ में काली सिंध डैम का जलस्तर बढ़ा। सोमवार को डैम के 5 गेट खोल करके पानी निकासी की गई। कई इलाके डूबे। करीब 1 दर्जन गांव का संपर्क झालावाड़ शहर से कटा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नहीं थम रहा लापरवाही का सिलसिला। पुल पर बह रहे नर्मदा नदी के पानी को पार करते दिखे लोग। लगातार बारिश से उफान पर है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के कटनी में लगातार बारिश से मुश्किलें बढ़ी। बारिश के चलते एक टनल धसी। निचले इलाकों में बस्तियों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पानी से युवक का शव बरामद। रानी दारा वाटरफॉल में बह गया युवक। डिप्टी सीएम अरुण साव का भांजा था मृतक। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था तुषार। बिहार में बारिश बढ़ा रही है लोगों की परेशानी। जहानाबाद जिले में लगातार बारिश से फल्गु नदी का रौद्र रूप सामने आया। पानी के तेज बहाव से सड़कें भी टूटी। आने जाने में लोगों के सामने चुनौती। गुजरात के डांग और नवसारी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है पूर्णा नदी। सैलाब में फंसे कई लोगों को राहत और बचाव दल ने बचाया। उत्तराखंड में भी बारिश मुसीबत बन के बरसी। उत्तरकाशी में सड़क पर आए मलबे में एक कार फंस गई। गंगोत्री हाईवे पर यह हादसा हुआ। गाड़ी को निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए लोग। महाराष्ट्र के मालेगांव में गिरणा नदी में आई बाढ़ में 12 लोग फंसे। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया। पुणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। एकता नगर में पहुंचकर सीएम ने जानी लोगों की परेशानी। सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सर्च ऑपरेशन जारी। सोमवार को लिंचोली के पास सर्च टीम ने बरामद किया एक शव। हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला था युवक। पत्थरों से
दबने से हुई थी मौत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, केदार घाटी में राहत बचाव का काम लगभग पूरा, आपदा में फंसे ज्यादातर तीर्थयात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, अब क्षतिग्रस्त मार्गों पर और पुलों पर मरम्मत पर फोकस होगा। झारखंड के दुमका में कम बारिश से किसान परेशान, सद्दाल परगना में अभी ठीक से नहीं हो पाई है धान और मक्का की बुआई, सामान्य से कम बारिश होने से किसानों के सामने परेशानी। एमपी के मुरैना में खतरे के निशान के करीब बह रही है चंबल नदी, पार्वती काली सिंध के उफान से बढ़ रहा है चंबल में भी पानी, नदी के उफान के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मध्य प्रदेश की घाटियों में हो रही लगातार बारिश के चलते उफान पर आई बांदा की केन और यमुना नदी, नदी के किनारे कई गांव बाढ़ की चपेट में, जिला प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।